इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक के दूसरे सेक्शन में आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन सीखेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दो चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन 2L है, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी A टू B होगा, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर P और R के बीच में जो एंगल है वह थीटा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट P इक्वल टू Q इंटू टू L, जहाँ पर Q ये चार्ज की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है, एक आप लेंगे और 2L इनके बीच का सेपरेशन है। तो इस तरह से CA और CB दोनों इक्वल होगा और दोनों की ये जो लेंथ है वो स्मॉल L हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि इस माइनस क्यू से जो पी का डिस्टेंस है ये अलग है और प्लस क्यू से इसका जो डिस्टेंस है ये अलग है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर, जहाँ पर r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज टू पॉइंट, मतलब प्लस q से p की डिस्टेंस जब आपको मालूम होगा, यानी bp की डिस्टेंस और ap की डिस्टेंस जब आपको मालूम हो जाएगा तभी आप पोटेंशियल दोनों के कारण निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मालूम है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल है, ये थीटा है, ये आर है। तो ए पी को आप सपोज कर लीजिए एक्स और बी पी को आप सपोज कर लीजिए स्मॉल वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम आर एल और थीटा के टर्म में निकालेंगे। तो इसको हम मैथ के ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक इजी आइडिया बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए सबसे पहले हम लोग इस प्लस क्यू से डिस्टेंस वाई निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो सी पी आपकी लाइन है इस पर बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा के सामने ई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो ये सी भी है ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से इन ट्रायंगल ई सी बी कॉस थीटा इक्वल टू सी ई बाई एल, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ई इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सी पी की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, सी से पी तक ये पूरा स्मॉल आर है। हमको यह वाई की वैल्यू आपको चाहिए, वैसे y इस सिचुएशन में आपको इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है, यह एंगल अगर बहुत ही छोटा ले लिया जाए तो BP इक्वल टू EP हो जाएगा, BP इक्वल टू
ई पी हो जाएगा। तो इस तरह से सी से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, उसमें से अगर सी ई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बी पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए आप लिख सकते हैं y इक्वल टू सी पी माइनस सी ई। सी ई की वैल्यू निकला है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा सी पी की वैल्यू स्मॉल आर माइनस एल कॉस थीटा। इस तरह से ये y की वैल्यू मिल गई। अब ये ध्यान दीजिएगा y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू टू पी, ये याद रखिएगा। इसी तरह से हम लोग जो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है उससे p के सेपरेशन को x मान लीजिए, और c से p का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अगर इस पी सी लाइन को इधर की ओर आप इंक्रीज कर दीजिए और a से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो अगर ये d पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल आपका राइट एंगल हो जाएगा। थीटा के सामने फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। फिर आप बात कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल छोटा सा है आप ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस DC बाय हाइपोटेन्यूस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की वैल्यू मिल गई L cos थीटा। DC मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको मिल गई L cos थीटा। ध्यान दीजिएगा अगर ये एंगल बहुत ही छोटा हो तो जो ये AP इक्वल टू DP, AP और DP इक्वल हो जाएगा। तो AP को आपने x एज्यूम किया है तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, मतलब AP इक्वल टू x इक्वल टू PC प्लस DC। DC की वैल्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निकला है L cos थीटा और PC आपका स्मॉल r है। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई r प्लस L cos थीटा। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से हम इस डाइपोल में के फिगर में इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान देंगे, ये x है ये y है, इन दोनों की वैल्यू r, l और थीटा के टर्म में निकालते हैं। x को निकालने के लिए इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे। इन दोनों चीज़ों को दो अलग अलग डायग्राम में बताया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस तरह से y निकालेंगे r माइनस l cos थीटा और x आपको मिलेगा r प्लस l cos थीटा। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीधा बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको हमने वी नेगेटिव से डिनोट किया है। वी नेगेटिव इक्वल टू के माइनस क्यू बाई एक्स, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, वी पॉजिटिव डिनोट किया गया है, के क्यू बाई वाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दो बोथ चार्जेज, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के नाते इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल वी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू का पोटेंशियल ये हमने पुट कर दिया, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल हमने ये पुट कर दिया। दोनों में आप ध्यान दीजिएगा के क्यू आपका कॉमन है, इसको हमने बाहर लिख लिया। वन बाई वाई पॉजिटिव है पहले लिखा गया, माइनस वन बाई एक्स नेगेटिव है इसको हमने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर वाई और एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। अभी आप इसके पहले आपने देखा है कि वाई की वैल्यू हमको मिला था आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये वाई की जगह पे पुट कर दिए, और एक्स की वैल्यू आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इन दोनों का हमने एलसीएम किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, ये आपका आर प्लस एल कॉस थीटा यहाँ आ गया, माइनस
आर माइनस एल कॉस थीटा यहाँ आ गया। जब इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा मिल करके टू एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू टू एल कॉस थीटा। और इस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले से आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो डाइपोल का लेंथ होता है एल, वह बहुत ही कम होता है। तो इफ स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन टू दी एल, तो उस कंडीशन में अगर आर एल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एल में कास स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई है। हम जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन और जीरो के बीच में होता है। तो इस तरह से एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर के कंपेयर में बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो इसके कंपेयर में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि P इक्वल टू Q इंटू टू एल, तो Q इंटू टू एल की जगह पर P कर दिए, ये आपका कॉस थीटा आ गया। इसके कंपेयर में हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से फाइनली हमको ये फार्मूला मिल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल V इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको हम लोग सिंपली डिफरेंशिएशन के हेल्प से समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज अगर Q है तो उससे r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, वेयर k इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। यह जो आपका इक्वेशन है इसमें k कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, वेरिएबल r है। तो हम इस इक्वेशन को r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए, अनडिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो ये डी डी आर ऑफ वी के क्यू कॉन्स्टेंट है, डी डी आर ऑफ वन बाई आर। बच्चों आप सभी जानते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला, तो वन बाई आर को हम लिख सकते हैं आर पावर माइनस वन। एक्स पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो ये पावर आपका पहले चला गया और पावर में से एक सबट्रैक हो गया। तो इस तरह से माइनस वन ये आपका माइनस टू हो गया, माइनस आर पावर माइनस टू, ये डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस वन बाई आर स्क्वायर। यानी वन बाई आर का जो डिफरेंशिएशन है आर के रिस्पेक्ट, वो आपको मिला माइनस वन बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए तो हमको रिजल्ट मिला माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग रिप्लेस करके हम स्मॉल कैपिटल ई लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस माइनस को आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा ई इक्वल टू माइनस डी वी डी आर, या इसको आप पढ़ सकते हैं डी डी आर ऑफ वी। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें कुछ कंडीशन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, तो अगर हम लेफ्ट साइड में हम जीरो कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस डी वी डी आर इक्वल टू जीरो,
माइनस अगर आप रिप्लेस करते हैं तो मिलेगा डी वी डी आर इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जीरो है तो वह वेरिएबल कांस्टेंट होगा, यानी डी वी डी आर इक्वल टू अगर जीरो है तो v इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है एक नेगेटिव प्लेट होता है, इन दोनों पर इक्वल चार्ज होता है तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर डेल्टा वी है और इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर वो डेल्टा आर है, तो इनके बीच में जो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लिख सकेंगे इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। यानी सिंपली यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट, देन वी कैन गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट। बच्चों बहुत बार हमारे सामने इस तरह की समस्या आती है कि जो पोटेंशियल होता है वह इन टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वो एक्स वाई और जेड के टर्म में दिया होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको निकालने के लिए माइनस डेल वी डेल एक्स करते हैं, ये इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस सिचुएशन में एक्स वेरिएबल होता है, इसके अलावा बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल वाई, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट। इस सिचुएशन में वाई वेरिएबल होगा, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस माइनस डेल वी डेल जेड, यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करेंगे, यहाँ पर जेड वेरिएबल के रूप में लिया जाएगा, उस सिचुएशन में बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में होंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इफ पोटेंशियल वी इक्वल टू 3x² प्लस 2y प्लस xz² फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1, 2, 3, मतलब यह कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इस पोटेंशियल को हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डेल डेल x ऑफ v। तो इस सिचुएशन में इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डेल डेल x ऑफ 3x² प्लस 2y प्लस xz². बच्चों यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जब हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर यह वेरिएबल है x², यहाँ पर 2y कांस्टेंट लिया जाएगा, यहाँ पर x वेरिएबल होगा लेकिन z² कांस्टेंट लिया जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो 3 आपका बाहर हो गया, डेल डेल x² डेल डेल x 2y, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है यहीं पे लिख दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल में z² कांस्टेंट है, डेल डेल x ऑफ x। तो अब यहाँ पर देखिएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, यहाँ पर 2y कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पर डेल डेल x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से डेल v डेल x की वैल्यू मिला 6x प्लस z². अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस माइनस डेल v डेल x, तो ये डेल v डेल x की वैल्यू 6x प्लस z² ये रख दिए।
अब ये कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2, 3, तो ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इन वैल्यूज को अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो एक्स के प्लेस पर 1 और जेड के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे। तो इस तरह से 6 × 1 = 6, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा -15। तो ये मिला -15 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालना होगा, तो हम वाई के रिस्पेक्ट इस पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, इस सिचुएशन में केवल यह वेरिएबल है, यह भी कांस्टेंट लिया जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट लिया जाएगा। तो ये कांस्टेंट अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यह कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट 1 यानी 2 हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस -∂v∂y, ∂v∂y की वैल्यू -2 पुट कर दिया, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए यह रिजल्ट मिल गया -2 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हम फिर पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ∂∂z ऑफ 3x² + 2y + xz² इस सिचुएशन में जेड वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल लिया जाएगा, इसमें नहीं जेड है तो ये पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, एक्स कांस्टेंट बाहर, ∂∂z ऑफ जेड स्क्वायर। इस पर बच्चों x^n का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z हुआ। तो इस तरह से फाइनली आपको मिला 2xz। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस -∂v∂z, ये आपका -2xz है। x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस -6 वोल्ट पर मीटर हुआ। तो इस तरह से हमको EX, EY और GZ मिल गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड EXi EYj + EZk। EX, EY, EZ की वैल्यू पुट करेंगे जो हम अभी निकाले हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हमें मिला -15i -2j -6k। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल XYZ वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। यह सरफेस आपका स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। यानी एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर, उस पर जितने इनफाइनाइट पॉइंट लाइज कर रहे हैं, उन सभी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस करते हैं। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। सपोज करिए बच्चों, ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, पॉजिटिव है, तो इससे आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा? V = kQ/r, जहाँ पर k की वैल्यू 1/4πε0 है। अब इस एक्सप्रेशन से अगर आप गौर करिए तो आपको समझ में आएगा कि k और q कांस्टेंट है। अगर हम r को ना चेंज करें तो पोटेंशियल के वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर r सेम रखा जाए तो पोटेंशियल भी उन सभी पॉइंट पर सेम होगा। तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा कि एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप पॉइंट लीजिए, देखिए यहाँ से यह, 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 तो ये जितने पॉइंट हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई,
ये जो चार पॉइंट हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए, इन चारों का इस पॉइंट चार से डिस्टेंस सेम है, यानी इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। यानी अगर इस पॉइंट को सेंटर मान करके, इस चार्ज को सेंटर मान करके एक स्फेयर खींचा जाए, एक स्फेयर ड्रॉ किया जाए, तो उस स्फेयर के सभी पॉइंट पर, उस स्फेयर का जो कर्व सरफेस होगा उसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। यानी यह जो इस पॉइंट चार्ज के लिए, अगर यह जो स्फेयर है तो यह स्फेयर का जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर एक अलग रेडियस R2 रेडियस का एक स्फेयर खींचेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, तो यह स्फेयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगर एक R3 रेडियस का स्फेयर खींचेंगे तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। जैसे सपोज करिए बच्चों, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए के लिए जो डिस्टेंस है ये भी आपका R3 है, बी पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस R3 है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू K³/R3। इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर अगर हम ड्रा करते जाएं, तो जितने भी स्फेयर आप बना सकते हैं, हर स्फेयर अलग अलग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये छोटे रेडियस का स्फेयर एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यह स्फेयर एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यह सरफेस एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। हम जानते हैं कि VA-VB इक्वल टू WB2A/Q0। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच का रिलेशन है। अब VA और VB का जो ये पोटेंशियल है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए, WB2A/Q0। ये दोनों अगर इक्वल वैल्यू है तो इनका डिफरेंस आपको मिलेगा 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला, वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पर कोई और तीसरा पॉइंट सी है तो बी से सी तक अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। यह रिजल्ट आप सभी जानते हैं, DW=E·dl। आप जानते हैं A·B=AB cos θ, उसके थ्रू ये आपका हो गया E·dl cos θ। इफ वर्क डन इक्वल टू 0, तो E·dl cos θ = 0। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है और dl भी 0 नहीं है तो cos θ will be 0। cos θ = 0, देन θ = 90°। इस कंडीशन में रिजल्ट मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी dl, dl इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ड्रॉ किया गया एक स्मॉल वेक्टर है। यानी कंक्लूजन ये निकला कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस।
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर पास करेंगी। यानी अगर हम इसी डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आप बनाएंगे, एक लाइन के थ्रू आप समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये सरफेस है। तो स्फीयर के लिए जो रेडियल डायरेक्शन होता है वो आपका नॉर्मल डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है।